हेलो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा VLookup। VLookup बहुत सारी कंपनी में और अच्छे अच्छे तरह से ये यूज होता है। ये वैल्यू देखने के लिए वर्टिकल जो होता है आपका लुकअप देखने के लिए होता है, कोई भी वैल्यू को देखने के लिए। और हर एक कंपनी में लगभग यूज करते हैं और हम इससे हमें कोई भी डाटा को फाइंड करने में, खोजने में आसानी होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि VLookup कैसे वर्क करता है। तो आप भी कोई भी सीट बना ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए एक्सेल में हमने एक सीट बना रखा है, स्टॉक सीट। इसमें मैंने यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर दे रखा है और इसके बाद यहाँ पर स्टॉक नेम, क्वान्टिटी, यूनिट और यूनिट रेट और अमाउंट। तो हम किसी भी चीज़ का VLookup जो निकालते हैं, हम देखते हैं यहाँ से इक्वल और VLookup VLookup लिखने के बाद ब्रैकेट चालू और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा चालू और लिखेंगे CPU, इसी का नाम लिखना है और इसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और हमारा कॉमा भी कॉमा लगाते हैं। और इसके बाद जिसका नाम होना चाहिए वहीं से आपको सेलेक्ट भी करना है। अगर मैं इस कॉलम में से नाम लिखा हूँ तो इसी कॉलम में से यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है पूरी डाटा को और इसके बाद फिर कोमा लगा के और जहाँ से हमने सेलेक्ट किया है उसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। रेट देखना है, अमाउंट देखना है। तो अमाउंट के लिए 5 नंबर आ रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है और 5 यहाँ पर डाल देंगे। 5 डालने के बाद एक कोमा और देखिए ट्रू और फॉल्स के लिए हम 0 और 1 का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर फॉल्स देंगे तो इसके लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज और जैसे एंटर मारिएगा तो आपका आ गया यार है CPU का आपका जो है दिखा रहा है 5600। और यहाँ से देखिए फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जैसे कि इक्वल VLookup यहाँ पर वो इक्वल VLookup ब्रैकेट चालू। और देखिए अब थोड़ा सा इसमें सिंपलीफाई कर देते हैं, हम इतना तो जानते हैं कि VLookup ऐसे निकलता है सिंपलीफाई। जैसे हम ब्लैंक वाले को मैंने 1 ले लिया और कोमा लगा दे, ब्लैंक लेने के बाद कोमा लगाने के बाद फिर वही पूरा सीट को सेलेक्ट करेंगे और पूरा सीट को सेलेक्ट करने के बाद ना कोमा लगाएंगे और फिर यहाँ से जैसे अमाउंट देखना है तो 5 नंबर दे देंगे और कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद एंटर। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई नहीं। यहाँ पर देखो नाम जैसे लिखोगे USE माउस लिखे जैसे एंटर तो आपके आ गया अमाउंट। यहाँ पर जैसे आप लिखेगा CPU एंटर देते हैं आपका अमाउंट आ गया। और यहाँ से प्रिंटर PRINTER प्रिंटर लिखने के बाद एंटर आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इसे और क्या करते हैं, हम सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा और आसान है क्योंकि बार बार लिखना भी हमें ना पड़े। तो हमें उसके लिए ना यहाँ पर क्लिक करके आ जाएंगे डाटा, डाटा में आके आने के बाद डाटा वैलिडेशन और इस पर क्लिक करने के बाद एनी नंबर को हटा के यहाँ पर लिख लेंगे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स में क्लिक करके और यहाँ से सब नाम को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फिर क्लिक और ओके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं उसका नाम आ जाता है, यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करना है। आप किसी का भी अमाउंट देख सकते हो, देख रहे हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा वीडियो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमसे पूछें। और अगले क्वेश्चन में मैं आपको HLookup बताऊँगा और इससे भी अच्छी तरह से आपको उसमें और सिंप्लीफाई करके बताऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।